परीक्षा की तैयारी के साथ साथ क्या आप भी अपने फंड, अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं? तो इस क्लास में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में चार विभिन्न तरह के मजेदार प्रश्नों के बारे में। साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे अपने फंड को, अपने एसेट्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 42 तथा AM को 28 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में TEAT का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, पहले हम पहले ही बात कर चुके हैं पहले की क्लासेस में कि पहले कोड को आइडेंटिफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ देखते हैं इसके लिए कोड जो बनाया गया है वो कितना है, 42 है, 42 है। तो इसके देखते हैं कि BEG जो हमारे लेटर्स हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स में जो पोजिशन होती है उसके आधार पर इनके स्थानों को हम देख लेते हैं। तो B जो है वो सेकेंड प्लेस पे होता है, E जो है हमारा फिफ्थ प्लेस पे होता है, और G जो है वो सेवन्थ प्लेस पे होता है। तो इन पोजीशंस का हम सम फाइंड कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं इनको। तो ये सम होता है 14। 14 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो हमें मिलता है 42। तो यहाँ पर ये 3 गुना है। इसी तरीके से जो दूसरा लेटर है, दूसरा वर्ड है AM, इसके लेटर्स की पोजीशन को हम लिख लेते हैं। A के लिए 1 पहली पोजीशन होती है, और M जो होता है वो आपका 15th प्लेस में होता है अल्फ़ाबेट्स में। तो ये 15 हो गया, इनका सम हुआ आपका 14, और इसके लिए जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 28। तो यहाँ 14 को हम देख रहे हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 28 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि BEG में 3 लेटर्स हैं, तो इनके लेटर्स की पोजीशन का जो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके कोड को जनरेट किया गया है। साथ ही हम देख रहे हैं AM जो लेटर है, वर्ड है, इसके लेटर्स की पोजीशन का जो सम है उसको नंबर ऑफ लेटर्स से, जो कि 2 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 28 कोड को जनरेट किया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी के आधार पे अब हम टी का कोड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रूल हमने जो है, जो इसमें यूज़ हुआ है, उसको हमने फाइंड कर लिया है। तो अब देखिए टी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो टी के लिए जो हो जाएगा हमारा कोड इस तरीके से, वो क्या होगा, देखिए टी में जो टी की पोजीशन होती है वह 20 होती है, ई जो है 5 है, और ए की पोजीशन होती है 1। तो इनका टोटल हम कर लेते हैं, तो टोटल है इनका 26। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हम देख रहे हैं कि टी में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 3 है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमें प्रश्न में विकल्प दिए हुए हैं, जो हमें प्रश्न में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं, उसके बेसिस पर हमने टी का कोड फाइंड कर लिया, वो आ रहा है 72। हमें से हर कोई जो है अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, पर हमें से कितने लोग ये कर पाते हैं? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम अपने खर्चे, अपनी बचत और अपने निवेश को मेंटेन नहीं करते। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, इस क्लास में हम आगे बात करेंगे। तो उससे पहले प्रश्न को देख, प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड 231220 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो नोटिस करने वाली वो ये है कि हम डॉग जो हमें, जिसका हमें कोड दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 3 हैं, और यहाँ पर कोड में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हैं, वो इनका डबल है, 6 हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकलता है कि जो लेटर्स हमें दे रखे हैं, जैसे डॉग में DOG है लेटर्स, तो इनकी पोजीशंस हमने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिए। D 4th पोजीशन पे होता है, O 15th पोजीशन पे, और G जो है वो 7th पोजीशन पे। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर एक लेटर के लिए कहीं ना कहीं दो कोड, दो डिजिट्स के कोड का यूज़ किया गया है। ऐसी O है, इसके लिए भी दो डिजिट्स के कोड का यूज़ किया गया है। G के लिए भी दो डिजिट्स के कोड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि D की जो पोजीशन है वो है 4, और यहाँ पर अगर हम इन दो लेटर्स, इन दो डिजिट्स को अगर हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 4 और 23 का जो सम है वो 27 है। इसी तरीके से हम O देख रहे हैं, O की पोजीशन है 15, और इसके रिस्पेक्ट में जो डिजिट्स हमें दे रखी हैं, टू डिजिट्स, वो है 12। तो 15 और 12 का सम भी कितना है, 27 है।
इसी तरीके से अगर हम जी को देखें, जी की पोजीशन है 7 और इसके रिस्पेक्ट में जो दो टू डिजिट्स का कोड दे रखा है वो भी क्या है 20 है। तो 7 और 20 का सम भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लेटर्स हैं और उनके रिस्पेक्ट में जो कोड जनरेट किए गए हैं तो इन सभी का सम जो है वो 27 है। और हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में जो अपोजिट लेटर्स जनरेट किए जाते हैं उनकी पोजीशंस का सम जो होता है वो 27 होता है। तो कहीं ना कहीं इन लेटर्स के अपोजिट प्लेसेस को इसमें लिया गया है। तो कंक्लूजन ये है कि जो भी यहाँ पर डिजिट लेटर्स दे रखे हैं उनका कोड जो होगा वो अपोजिट लेटर्स के बेसिस पर फाइंड किया गया। तो इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कैट के लिए भी हम इसी तरीके से पोजिशन को जनरेट कर सकते हैं कोड को। तो उसको हम देखते हैं। तो कैट हमने यहां लिख लिया है। तो कैट के जो लेटर्स हैं इनकी पोजीशन को हम लिख लेते हैं। सी की पोजीशन होती है 3, ए की पोजीशन होती है 1 और टी की पोजीशन होती है 20। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं तो 3 प्लस कितना 27 होगा, तो हम जानते हैं कि ये कितना होता है 24। 3 प्लस 24 जो है वो 27 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 के लिए अगर हम देखें 1 प्लस 26 जो है वो 27 होगा, तो यहाँ पर आएगा 26। ऐसे हम टी के लिए देखते हैं टी में कितना ऐड करें कि हम जो है 27 हो जाए, तो इसमें हम 7 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन लेटर्स के लिए जो कोड हो गया वो 24267 हो जाएगा। अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले हम तीन अर्थशास्त्र की तीन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं और वो तथ्य हैं आपके खर्च, बचत और निवेश। एक साधारण आदमी अपने जीवन में क्या करता है, इन दो चीज़ों में खर्च और बचत में उलझा रहता है, वो निवेश की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता अपनी अनजानेपन की वजह से, या फिर जो है विभिन्न कारणों से वो निवेश की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय जो है वह 50,000 रुपीज़ है पर मंथ। तो यहाँ पर हम एक मोटा मोटा आंकड़ा ले सकते हैं, ये राशि ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो जैसी भी राशि हो उस सभी में ये सिचुएशन फिट बैठती है। हम जीरो से भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं इस चीज़ को, और बहुत बड़ी अमाउंट के साथ भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो मान लीजिए खर्च के लिए व्यक्ति जो है वह 30,000 रुपीज़ स्पेंड करता है मंथ में और 15,000 रुपीज़ वो अपने बचत के लिए रख ले रहा है। बचत से मतलब है कि मान लीजिए कोई लग्जरी आइटम लेना है, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है या कोई और एक्सपेंस हो सकते हैं जिसमें बचत के लिए हमें पैसे रखने चाहिए। तो हम ये बात रखेंगे कि हमें तीन, एक तरीके से समझ लीजिए बॉक्सेस बना लेने हैं हमें कि खर्चे के लिए हमें इतनी अमाउंट रखनी है जो हमारी अमाउंट आई है उसमें से, बचत के लिए हमें इतनी अमाउंट रख लेनी है और जो रेस्ट अमाउंट बची वो छोटी भी हो सकती है वो बड़ी भी हो सकती है, ये हम अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो निवेश के लिए मान लीजिए हमने 5,000 रुपीज़ रखा है, तो ये दो एक्सपेंसेस आपके जो हैं एक्सपेंसेस ये आप यूज़ करिए मौके पड़ने के अनुसार। बट निवेश की राशि हम बात रखेंगे कि निवेश की राशि को आप जब तक नितांत आवश्यकता ना हो तब तक इसको ना छुएं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इसमें, जब कंपाउंडिंग होती है इस अमाउंट की, तो ये अमाउंट धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना देगी। उस निवेश को, इस निवेश की टर्म को आप सीख सकते हैं। निवेश क्या होता है, निवेश का मतलब होता है ऐसे कामों में अपने पैसे को लगाना जो पैसा पैसे को बढ़ाए। तो इस तरीके से, तो इस फंड को अगर हम नहीं छूते हैं और इसको ग्रो होने देते हैं, इसमें कंपाउंडिंग होने देते हैं, तो ये अमाउंट धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए आप प्रश्न को देखते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में 20 को 863985 और 11 को 323039 लिखा जाता है तो 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 जो वर्ड है इसके कोड को लिख दिया है और 11 जो वर्ड है इसके कोड को लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लेटर्स और नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके सेम है, तो एक लेटर के लिए एक डिजिट के कोड का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है इस दृष्टिकोण से कि यहाँ पर एक आइडिया हमें ये लगता है कि ये जो हमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दो हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसमें क्या है कि हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर कोड होता है और उसी कोड को हमें ढूंढ कर क्या करना होता है, इस
जो लेटर हमें, जो वर्ड हमें पूछा गया है उसके कोड को हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टी है, टी के लिए कोड क्या यूज़ हुआ है, एट यूज़ हुआ है। ऐसे ही डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए क्या कोड यूज़ हुआ है, रिस्पेक्टिव कोड वो क्या है, सिक्स है। तो यहाँ पर हम कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। ई है, ई के लिए कोड यूज़ हुआ है थ्री। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एलेवन हमें वर्ड दिया हुआ है इसके कोड भी यहाँ पर क्या है, देखिए थ्री है, जहाँ पर भी यूज़ हुए हैं थ्री हुए हैं। तो इससे एक ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि जो लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं हमें, उनके रिस्पेक्टिव कोड जो दिए हैं, उन्हीं कोड को यूज़ करके हमें क्या करना है, 12 के कोड को फाइंड करना है। तो इसी के आधार पे क्या हो जाएगा, देखिए टी के लिए कोड क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर 12 में टी का कोड हो जाएगा 8, डब्ल्यू के लिए क्या कोड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ई के लिए कोड हमारे पास है ही 3। इसी तरीके से एल का कोड क्या होगा, एल देखिए यहाँ पर है दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे लेटर में, दूसरे वर्ड में, तो एल के लिए कोड क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही V के लिए क्या कोड होगा, V के लिए कोड हो जाएगा 0, और लास्ट आपका E फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 12 के कोड को फाइंड कर लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम, चलिए इसके कोड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर ओरल जो वर्ड है इसके लेटर्स की पोजीशंस को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो कोड है 3196 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं और जो कोड किए गए हैं उसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं। अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो ओरल का ओ है इसकी लेटर्स, इसकी पोजीशन है 15, तो इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, ये हुआ 6। अब यहाँ पर हम 6 देखते हैं, तो 6 कहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि वो लास्ट में हमें दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम R की पोजीशन की बात करें, ये है 18, तो 18 में डिजिट्स का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 9 हुआ। अब हम 9 देख रहे हैं कि 9 भी लास्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि जो कोडिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में की गई है, विपरीत पोजिशन से की गई है। इसी तरीके से 1 के लिए हम देखते हैं, तो 1 सिंगल डिजिट नंबर है, तो 1 के लिए 1 ही यूज़ हुआ है। और ऐसे ही 12 में नंबर ऑफ वो डिजिट्स क्या हैं आपकी, 1 और 2 हैं, तो इनका सम हुआ 3, तो 3 की पोजीशन क्या है, ये पहली पोजीशन पे। तो हम देख रहे हैं कि पहले लेटर के लिए कोड लास्ट में दिया हुआ है, दूसरे लेटर के लिए जो कोड है वो सेकेंड लास्ट पोजिशन पर दिया हुआ है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि लेटर की कोडिंग क्या है, रिवर्स ऑर्डर में की गई है। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अब रिटर्न के कोड को भी फाइंड करेंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया है, रिटर्न जो वर्ड है इसके लेटर्स के हमने पोजीशंस को यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए डब्ल्यू की जो अल्फ़ाबेट्स में ऑर्डर होता है वो 23 होता है, तो 2 और 3 का हमने यहाँ पर सम फाइंड कर लिया, ये 5 है, तो 5 की जो कोडिंग होगी सबसे लास्ट में होगी, ये 5 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आर की पोजीशन है 18th पोजीशन है, तो इसके डिजिट का सम हुआ 9 हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड लास्ट जो कोड होगा वो 9 हो गया। इसी तरीके से आई की पोजीशन होती है 9, तो 9 सिंगल डिजिट है, तो यह ऐसे ही रहेगा, तो 9 हो गया। इसी तरीके से 20 में टी की पोजीशन है 20, तो 20 में इसके डिजिट्स का सम कितना हो गया, 2+0 2 हो जाएगा, तो ये कोड हो जाएगा आपका 2। इसी तरीके से सेकंड जो टी है इसका कोड भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई की बात करें, ई 5 है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सिंगल डिजिट है, तो 5 ही रहेगा इसका कोड। और जो लास्ट है एन, इसकी डिजिट्स का जो सम होगा वह कितना होगा, 1+4 वो हो जाएगा 5, तो ये सबसे पहला होगा, 5 सबसे पहला कोड होगा। तो इस तरीके से रिटर्न जो वर्ड है इसके लेटर्स का कोड क्या हो जाएगा, 5522995।